नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कन्हैया सिंह मल्टीपर्पस रैक लाया हूँ अपने चैनल पे। इसमें आपको अलग साइज का मिलेगा और अलग रेट के साथ दिखाऊंगा। पहले भी जैसा कि मल्टी रैक हमने दिखाया है तो उससे अलग कुछ लेकर आया हूँ। रहेगा पार्टिकल बोर्ड में ही बना हुआ, पर साइज अलग रहेगा, रेट अलग रहेगा, मजबूती सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं मल्टीपर्पस रैक। हमारे वीडियो के साथ बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब कर ले, यदि नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर ले। आइए मल्टीपर्पस रैक देखते हैं। मल्टीपर्पस रैक इसलिए इसको बोल रहे हैं, इसको आप सू रैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाला वगैरह का डिब्बा रखने के लिए, ऑफिस में फाइल वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। यदि बहुत सारा टेबल के बगल में एल लगाने के लिए बहुत लोग का डिमांड होता है कि हमको एल चाहिए, तो ये एल में भी इस्तेमाल हो जाएगा। प्लस बुक वगैरह रखने के पर्पस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये काफी मजबूत रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बहुत ही छोटा साइज है, मतलब 2 फीट फ्रंट है, मतलब 24 इंची, और ऐसे आपको 1.25 फीट मतलब 15 इंची, 2 फीट बाय 1.25 फीट का आपको साइज है। इसका हाइट और हाई फिट रहेगा, ये ऑफिस टेबल के हाइट में है, तो आप इसको एल भी बना सकते हैं। अब मजबूती की बात करें तो इसमें लोहा का प्लेट दिया हुआ है। ये छोटा छोटा लोहा का प्लेट है जो आपको हिलने डुलने का फ्यूचर में कभी भी कंप्लेन नहीं देगा आपको। इस पर किसी प्रकार का कोई वजन भी रखना है तो रख सकते हैं। कहीं पे भी आप खरीदते हैं तो ये छोटा छोटा लोहा का प्लेट पे आपको ध्यान देना है। ये प्लेट रहेगा तो आपको हिलने डुलने का फ्यूचर में कंप्लेन नहीं आएगा। इसका मजबूती आपको दिखा देते हैं, तो हम लोग बैठ भी जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी आपको बात के मतलब कोई बैटरी वगैरह इस पर रखना है या किसी काम को करना है, कोई सामान उतारना है या फिर पंखा वगैरह साफ करना है, तो इस पर चढ़ के आप वो काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तो ये साइज है 24 बाई 15 का साइज ये वाला हो गया। इसी में एक और साइज ये आएगा आपको 2.5 फीट बाई 2.5 फीट, ऐसे आपको 2.5 फीट रहेगा, हाइट भी आपको 2.5 फीट रहेगा, मतलब 30 इंची 30 इंची, ऐसे आपको 1.25 फीट मतलब 15 इंची। इसका सिर्फ फ्रंट बढ़ा दिया गया है, मजबूती वगैरह सेम रहेगा, सेल्फ वगैरह सेम रहेगा। इसमें भी आप वही यूज कर सकते हैं जो उसमें कर सकते हैं, बुक वगैरह या सू रखने के लिए या मसाला का डब्बा वगैरह रखने के लिए या फाइल के लिए ऑफिस में, इसको भी एल के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी एल वगैरह आप बना सकते हैं, ये थोड़ा लंबा साइज रहेगा, इस पर प्रिंटर वगैरह ऊपर में रख सकते हैं। इसमें भी उसी तरह का आपको जो लोहा का प्लेट उसमें दिखाए थे, इसमें भी वो लोहा का प्लेट दिया हुआ है जो हिलने डुलने का फ्यूचर में आपको कंप्लेन नहीं देगा। ये लगने से मजबूती बना रहता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है, पर बहुत दुकानदार इस प्लेट को लगाते नहीं क्योंकि मिस्त्री को ज्यादा समय लगता है बनाने में, और वो जो साइड से पेच लगाते हैं वो सामान जल्दी तैयार हो जाता है, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए बहुत दुकानदार इसको लगाते नहीं। ये चीज होगी आपको। इसमें एक और बात बता दें आपको कि इस बोर्ड में कभी दीमक वगैरह नहीं लगता है, तो दीमक का आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, इसको क्लीन वगैरह करने के लिए कपड़ा को भिंजा कर साफ सुथरा कर सकते हैं, इसको धोइएगा नहीं, धोने से इसका मुकन सब खुलने लगेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, मतलब बबल्स वगैरह इस पर आने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसको पानी में धोना नहीं है, क्लीन कर सकते हैं, कपड़ा भिंजा के कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये दोनों का रेट का बात कर ले तो ये आपको 2150 रुपये का आएगा और ये वाला 1850 रुपये का आएगा। ये 1850, ये 2100, इस रेट में आपको मिलेगा। काफ़ी मजबूत चीज़ है, इस पर भी आप बेड वगैरह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी मजबूत है, दोनों काफ़ी मजबूत रहेगा, तो मजबूती का टेंशन नहीं लेना है आपको। कहीं से भी खरीदते हैं तो ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हिलने डुलने का कंप्लेन नहीं आए। कन्हैया सिंह अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।